हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि फ्रेंड आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम Xiaomi के न्यू अपकमिंग फोन MI 11 का रिव्यू करने वाले हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत से मीडिया रिपोर्ट से खबर आ रही है कि यह इंडिया का अब तक का सबसे फास्ट चार्जिंग वाला फोन होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि बहुत से रूमर से खबर आ रही है कि यह फोन 0 से 100% 15 मिनट में चार्ज हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और जानेंगे कि यह फोन कब तक लॉन्च हो सकता है, क्या इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स आप कब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं इस फोन के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यदि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टेक्नोलॉजी गपशप को सब्सक्राइब कर दें और बेल को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन की। तो दोस्तों इस फोन के स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये फोन आपको एंड्रॉइड 12 के साथ मिल सकता है। अगर दोस्तों बात करूं इस फोन के डिस्प्ले की तो इस फोन में आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस फ्लैट सैमसंग E4 AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 20.9 एस्पेक्ट रेशियो से लेस है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की। तो दोस्तों इस फोन के प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इस फोन के रैम की बात करूं तो इस फोन में आपको 8GB LPDDR5 रैम दिया जाएगा। और अगर बात करूं इस फोन के स्टोरेज की तो इस फोन में आपको 128GB और 156GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो दोस्तों इस फोन के कैमरे की बात करूं तो इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिल जाएगा जिसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही फ्रेंड इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 5 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा दिया गया है। और यदि फ्रेंड बात करूं इस फोन के फ्रंट कैमरे की तो इस फोन के फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस फोन के बैटरी की और इस फोन के चार्जर की जो इस फोन के सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स बात करूं इस फोन के बैटरी की तो इस फोन में आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है जो 120 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है और इस चार्जर से यह फोन ओनली 15 मिनट में 0 से 100% चार्ज हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस फोन के नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो फ्रेंड्स इस फोन के नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करो तो इस फोन में आपको GPRS, EDG, 4G, 5G, Wi-Fi 5.2 जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं इस फोन के स्पेशल फीचर की। तो फ्रेंड इस फोन के स्पेशल फीचर की बात करें तो इस फोन में आपको GPS, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन के एक्सपेक्टेड प्राइस की। अगर बात करें इस फोन के एक्सपेक्टेड प्राइस की तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 21 से 31,000 के बीच में रह सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स ये था MI 11 का एक क्विक रिव्यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टेक्नोलॉजी गपशप को सब्सक्राइब कीजिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।